आज मैं आपके साथ में एक ऐसा बेस शेयर करने जा रही हूँ जो कि पार्लर वाले दुल्हन को तैयार करने से पहले इस्तेमाल करते हैं, जिससे दुल्हन का जो मेकअप है वो काफी ज्यादा फ्लॉलेस और वाटरप्रूफ बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेस को बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए फाउंडेशन। आप अपनी पसंद का कोई भी फाउंडेशन ले लीजिए, और याद रहे आपको उतना ही फाउंडेशन लेना है जितना आपको अपना मतलब बेस बनाने के लिए चाहिए। मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बनाया है, आप कम मात्रा में बना सकते हैं। फिर आपको चाहिए प्राइमर, आप प्राइमर भी अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, मतलब जो भी प्राइमर आपके पास मौजूद है या फिर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं वो आप इसमें ऐड कर दीजिए, और आपको उसकी जो क्वांटिटी है वो फाउंडेशन के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा कम रखनी है। फिर आप ले लीजिए इल्यूमिनेटर। इल्यूमिनेटर से क्या होगा, जो हमारा बेस है काफी ज्यादा शाइनी और ग्लोई बनेगा, तो ये भी बहुत ही कम आपको इसमें ऐड करना है। फिर आपको लेना है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर ऐड करने से क्या होता है, जो हमारा बेस है वो केकी नहीं दिखता, लगता ही नहीं है हमने फेस पे कुछ अप्लाई किया हुआ है। फिर आपको चाहिए कॉम्पैक्ट पाउडर। मेरे पास यहाँ पर फेसेस कराने का कॉम्पैक्ट पाउडर है, आप इसको थोड़ा सा स्क्रैच करते हुए पाउडर फॉर्म में इस तरीके से ऐड कर दीजिए। आपको लगभग इतने फाउंडेशन में 1 से 1.5 चम्मच कॉम्पैक्ट पाउडर इसमें ऐड करना है। चम्मच जो है वो छोटी होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर ऐड कर दीजिए। फिर आपको लेना है कंसीलर। कंसीलर आपको अपनी शेड से एक शेड लाइट लेना है और इसमें ऐड कर देना है, और बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते ही जो आपका पार्लर वाला सीक्रेट बेस होता है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो बेस है वो बनकर तैयार हो गया है। यही जो बेस है तो पार्लर वाले इस्तेमाल करते हैं दुल्हन को तैयार करने के लिए। मैं इसे अभी आपको लगाकर भी दिखाऊंगी कि ये जो बेस है वो कितनी इजीली ब्लेंड हो जाता है, साथ ही आपकी स्किन टोन से कितनी इजीली मैच हो जाता है, कितना ज्यादा फ्लॉलेस लगता है। तो यहां पर मैं ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर अच्छे से इसे अप्लाई कर लूंगी। मैं नेक पर अप्लाई नहीं कर रही, केवल फेस पर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी, और आप देखिएगा कि इसको अप्लाई करने के बाद में, मतलब पूरी तरह से ब्लेंड करने के बाद में, मेरी जो स्किन है वो बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगी, लगेगा ही नहीं कि मैंने कोई फाउंडेशन अप्लाई किया है। अब इसे मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी, और आप देखेंगे कितनी ईजिली ब्लेंड हो जाता है। नॉर्मल जो फाउंडेशन आते हैं मार्केट वाले वो भी इतनी ईजिली ब्लेंड नहीं होते, लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो बेस मैंने बनाकर तैयार किया है वो कितनी ईजिली ब्लेंड हो रहा है, और मेरी स्किन टोन से भी बहुत मैच कर रहा है। अगर आपको ये लगता है कि इस तरीके से अगर हम बेस बनाकर अपने फेस पर लगाएंगे तो कोई नुकसान होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इतना डाउट है थोड़ा सा भी, तो आप उससे पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए इसको लगाने से पहले, और आपकी भी जो स्किन है वो काफी ज्यादा फ्लॉलेस लगेगी इसको लगाने के बाद में। फाउंडेशन अलग से पता लगता है फेस पर अगर आपके, तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हो। आप इसे जरूर एक बार ट्राई करिएगा, सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, मेरी स्किन पर आप चेक ही कर सकते हो। अगर आप इसे ट्राई करते हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत बताना भूलना कि आपको ये कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।